दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कैसे जसप्रीत बुमराह ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तीसरे दिन भी रचा इतिहास और कर दिया कमाल और तोड़ दिए टेस्ट क्रिकेट के सभी दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज घुटने टेक गए और क्या रही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की तीसरे दिन की हाइलाइट्स। ये सब तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जसप्रीत बुमराह और स्टुअर्ट ब्रॉड में किसको खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने पहले तो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दमखम दिखाया और इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों से अपना लोहा मनवाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में तहलका मचाकर रख दिया और इन्होंने इस ओवर में 35 रन ठोककर सभी दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसके बाद जब दूसरे दिन ही इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आई और उन्होंने गेंदबाजी में भी इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। और आपको बता दें कि वहां भी नहीं रुके तो इन्होंने इंग्लैंड की टीम के लगातार 3 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने अपनी पारी के 27 ओवर में 5 विकेट खोकर 84 रन बना लिए थे। यहां तक मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को एक एक विकेट मिला और वहीं जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे। 5 विकेट हो जाने के बाद इंग्लैंड की टीम की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद अगले दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इसके बाद मैदान पर अब तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही अपनी निगाहें जमा ली और आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया और अब ये भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को तो अब भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। और आपको बता दें कि 35वां ओवर भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी डालने के लिए आए और जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर जॉनी बेयरस्टो ने एक हवा में शॉट खेल दिया, लेकिन ये भाग्यशाली रहे कि नीचे कवर पर खड़े फील्डर शरदुल ठाकुर इस गेंद तक नहीं पहुंच पाए और ये कैच आउट होने से बच गए। इस प्रकार से भारतीय टीम ने बेन स्टोक्स को आउट करने का मौका गवा दिया और बेन स्टोक्स का ये कैच सिर्फ 18 रन पर छूटा। अब देखना ये होगा कि शरदुल ठाकुर के द्वारा बेन स्टोक्स का ये कैच छोड़ना भारतीय टीम को कितना महंगा पड़ेगा। मोहम्मद शमी के ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स आउट तो हुए नहीं, साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद शमी की इस गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक जॉनी बेयरस्टो को दे दी। इसके बाद बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने इनके ओवर की लगातार दूसरी और तीसरी गेंद पर शानदार चौके जड़े और इस प्रकार से ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। और आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने 11 रन बनाए और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 36 ओवर में 141 रन हो चुका था। इस दौरान इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी भी पूरी हो गई और अभी भी ये दोनों बल्लेबाज मैदान में जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ये साझेदारी भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही थी। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया और 36वें ओवर में कैच ड्रॉप करने वाले खिलाड़ी शरदुल ठाकुर को गेंदबाजी करने के लिए लेकर आए और इन्होंने बेन स्टोक्स को पहले तो लगातार 3 गेंदें डॉट खिला दी। और आपको बता दें कि तीसरे गेंद पर बेन स्टोक्स एक बार फिर से भाग्यशाली रहे और जसप्रीत बुमराह के हाथों से कैच आउट होने से बच गए, लेकिन इसके बाद जैसे ही शरदुल ठाकुर ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो इस पर जसप्रीत बुमराह ने कोई गलती नहीं की और उनका कैच लपक लिया और ये इस मुकाबले में 36 गेंदों में सिर्फ 25 रन बना पाए। इनके आउट हो जाने के बाद अब सैम बिलिंग्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गए और इन्होंने शरदुल ठाकुर के इस ओवर के 5वीं गेंद पर ही शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोल लिया और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए और अभी इंग्लैंड की टीम का स्कोर 38 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन हो चुका है। और अभी मैदान पर जॉनी बेयरस्टो 81 गेंदों पर 7 चौकों की सहायता से 50 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं सैम बिलिंग्स 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी को देखकर क्या लग रहा है कि क्या ये भारतीय टीम को इस मुकाबले में टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।